Good morning, India. Hello and welcome to ODLS Academy, changing the way of learning. ODLS Academy covers knowledge regarding all subjects from class 6 to class 12 and government exams too. Here, you will also get health tips and motivational videos. So let's get started. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ODLS एकेडमी। और आज हम रिलेशन फंक्शन का लेक्चर 6 लेकर आए हैं आपके लिए। और अगर आपने इससे पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज आप पहले वो लेक्चर्स देखिए और उसके बाद ही 6 पे आइए, ओके? नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये चैप्टर, ओके? तो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि Determine if relation is reflexive, symmetric and transitive. तो हमें देखना है कि ये relation reflexive, symmetric और transitive है या नहीं। देखो, मैंने पहले भी बोला था कि ये तीनों तो सबसे important है और clearly समझ लो, है ना? और देखो, questions ज्यादातर इन तीनों से ही आएंगे, clear है? तो लिखा है कि relation R in the set A is 1, 2, 3, 4, 5, 6 as x, y is divisible by x. ये प्रॉपर्टी है, y is divisible by x. तो रिलेशन हमारा a टू a है, a टू a है, तो हमको आंसर इसी में ढूंढने हैं, ठीक है? तो बताओ 1, 1, 1, देखो 1, 1 डिविजिबल होता है कि नहीं, होगा कि नहीं, बताओ? होगा ना? और उसी तरह 1, 2 नहीं है ना, ऐसे मतलब 2 से 2 डिविजिबल है, 4 से 2 डिविजिबल है, 6 से 2 डिविजिबल है ना, 6 से 3 डिविजिबल है बस, है ना? और 3 से 3 इस टाइप के, मतलब जो भी आएंगे, 1, 1 आएगा, है ना, 3, 3 है ना, 4, 4 ये आ रहा है इसमें, 5, 5 भी आ जाएगा, 2, 2 भी आ जाएगा, ठीक है, और 6, 6 भी आ जाए, है ना, आ जाएगा। और क्या आ जाएगा, 2, 4 आ जा रहा है, 3, 2, 6 भी आ रहा है और 3, 6 आएगा। और देखो 1, 1 भी सबको डिवाइड कर सकता है, तो 1, 2 है ना, 1, 1, 3 1, 4 है ना, 1, 5 है ना, और 1, 6 ये पूरे इसमें आएंगे, क्लियर है? हमें देखना है, हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये तो हो गया कॉन्सेप्ट हमको समझने के लिए। अच्छा, इस अगर हम ये बना लेते हैं तो एक चीज समझ में आता है। देखो कि 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, 4, 4 है, 5, 5 है, 6, 6 है, सारे है ना, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, राइट? खुद से सबका रिलेशन है तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, अच्छा, ठीक है ना? अब हम थोड़ा सा देखते हैं किसके लिए, सिमेट्रिक के लिए। एक है, ये वाले तो प्रॉब्लम नहीं करेंगे, ठीक है? इधर देखते हैं, 2 का देखो 4 से है, लेकिन 4 का 2 से कहीं दिख रहा है क्या? नहीं। तो एक एग्जाम्पल काफी है नॉन सिमेट्रिक बोलने के लिए, और वो है कि 2 से 4 है, लेकिन 4 से 2 तो है ही नहीं, तो नहीं होगा, क्लियर है? अगर हम ट्रांजिटिव की बात करें, अगर हम ट्रांजिटिव की बात करें तो देखो 1 का 2 से है, 2 का 4 से है, 1 का 4 से है, वेरी गुड। 1 का 2 से है, 2 का 6 से है, 1 का 6 से है, वेरी गुड। तो अब ट्रांजिटिव के लिए और क्या है, 3 का देखो 6 से है और 6 का किसी से तो है नहीं, 6 का 6 से है, तो 3 का 6 से कोई इशू नहीं है, ठीक है, 2 का 6 से है, ट्रांजिटिव है। लेकिन चलिए हम इसका सॉल्यूशन प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, ओके? ये तो हो गया ऊपर ऊपर से हमको समझना। रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करेंगे तो हम क्या करेंगे, सिंस x इज डिविजिबल बाय x, तो x, x एलिमेंट ऑफ r होगा ये, और r रिफ्लेक्टिव है ना, कोई भी नंबर खुद से डिविजिबल होता है, डायरेक्ट हमको ये लिखना है, उतना सॉल्व वो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? सिमेट्रिक के लिए क्या लिखना है कि देखो x, y इज एलिमेंट ऑफ r है, इफ इफ x, y एलिमेंट ऑफ r है तो y को x से डिविजिबल या एलिमेंट ऑफ r होना चाहिए। लेकिन हम वही एग्जांपल ले लेंगे कि 2, 4 इज एलिमेंट ऑफ r, है ना, मतलब कि 4 2 से डिविजिबल है, लेकिन 4 2 से डिविजिबल है लेकिन 2 4 से डिविजिबल नहीं है। इस एग्जाम्पल को दिखा करके हम बोल देंगे कि आर रिलेशन जो है वो नॉन सिमेट्रिक, क्लियर? आगे बढ़े। ट्रांजिटिव के लिए क्या करना होगा कि अगर देखो 3 चीज ले ले, ए बी और सी, या एक्स वाई जेड ले लो, एक्स वाई
और जेड। तो अगर देखो एक्स वाई है तो वाई क्या है, एक्स से डिविजिबल है, वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, तो हम क्या लिख सकते हैं, वाई डिविजिबल है एक्स से, तो हम लिख सकते हैं मान लो कि के एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं कि वाई और जेड, वाई और ये जेड होगा, वाई और जेड इज एलिमेंट ऑफ आर, तो हम लिख सकते हैं कि जेड इज इक्वल टू, जेड इज इक्वल टू कोई और कांस्टेंट ले लो, सी सी इंटू वाई, ठीक है। तो एक्स और जेड भी रिलेटेड है ऐसा प्रूफ करना है हमको, ओके। वाई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, वाई की जगह यहाँ पे मैं रिप्लेस कर दूंगा के एक्स, तो जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी इंटू के इंटू एक्स, तो ए सी इंटू के इंटू एक्स है। हम बोल सकते हैं कि जेड इज ऑल्सो डिविजिबल डिविजिबल बाय, तो जेड भी क्या होगा, एक्स से डिविजिबल होगा, क्लियर है। तो इस तरह हम क्या बोलेंगे कि आर इज, नहीं तो वो एग्जाम्पल से भी देखा था हमने कि ट्रांजिटिव तो है ही, क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिटरमाइन इफ रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तो हमें डिटरमाइन करना है वही बात की रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है या नहीं है। रिलेशन हमारा है, रिलेशन पहली बात तो कहां से कहां तक है, जेड टू जेड है, जेड टू जेड, इंटीजर टू इंटीजर, एक्स कॉमा वाई, एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, एक्स और वाई अगर इंटीजर है तो एक्स माइनस वाई भी इंटीजर होना चाहिए, ऐसा हमारा रिलेशन। देखो हालांकि आपको अगर ये प्रॉपर्टीज याद होंगे नंबर सिस्टम में तो इजी है क्वेश्चन, वैसे भी उसका याद आएगा, तो फिर पीछे की जो पढ़ाई है उसको तो जरूरत पड़ती है, ठीक है। एक्स कॉमा वाई है ना, एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, ठीक है। तो चेक, अगर हम रिफ्लेक्सिव चेक करें तो कोई भी नंबर का सब्ट्रैक्शन क्या आएगा, खुद से, एक्स माइनस एक्स क्या आएगा, जीरो है ना, एक्स माइनस एक्स क्या आएगा, जीरो खुद से, ठीक है। और जीरो क्या है, इंटीजर है, जीरो क्या है, इंटीजर। तो सारे रियल सारे जो भी नंबर्स होंगे इंटीजर, वो जब खुद से सब्ट्रैक्ट होंगे तो जीरो आएगा, और जीरो इंटीजर ही है, तो इसलिए सारे एक्स कॉमा एक्स टाइप के जो होंगे वो रिलेशन के पार्ट होंगे, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि आर इज रिफ्लेक्सिव, ओके। सिमेट्री के लिए देखते हैं, तो सिमेट्री के लिए अगर हम देखें तो एक्स माइनस वाई जो अगर इंटीजर है, अगर एक्स माइनस वाई मान लो कोई इंटीजर आ रहा है, ठीक है, तो वाई माइनस एक्स क्या आएगा, माइनस ऑफ आई आएगा, तो ये भी एक इंटीजर ही होगा, है ना, ये भी इंटीजर होगा, ये भी इंटीजर ठीक है। तो अगर एक्स एक्स माइनस वाई जो है वो इंटीजर है, तो माइनस ऑफ एक्स माइनस वाई भी इंटीजर होगा, मतलब वाई माइनस एक्स भी इंटीजर होगा। तो हम बोल सकते हैं कि एक्स माइनस वाई इज एलिमेंट ऑफ आर, तो वाई माइनस एक्स इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ आर, तो इफ है तो देन भी प्रूफ हो गया, इसलिए आर क्या है, सिमेट्रिक है। इफ है एक्स इज रिलेटेड टू वाई है, और देन में हमने प्रूफ कर दिया कि वाई इज ऑल्सो रिलेटेड टू एक्स, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि आर इज सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं, तो ट्रांजिटिव में हम क्या देख पा रहे हैं कि तीन चीजें लेनी पड़ेंगी, एक्स वाई और जेड, ठीक है। तो एक्स को इफ में क्या मानना पड़ता है कि एक्स इज रिलेटेड टू वाई और वाई इज रिलेटेड टू जेड, ऐसा मान के चलना पड़ता है। एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, वाई माइनस एक्स इज एन इंटीजर, ठीक है। तो अब देखो इंटीजर, देन एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, मतलब एक्स माइनस वाई को हम मान लेते कोई इंटीजर, ठीक है, वन, और वाई माइनस जेड को भी मान लेते हैं हम कोई इंटीजर, टू। अगर हम इनको ऐड करें तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस जेड इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू। तो एक्स माइनस जेड भी देखो कोई इंटीजर ही आएगा, आई वन प्लस आई टू क्या कोई और इंटीजर आ जाएगा, आई थ्री। तो एक्स माइनस जेड भी एक इंटीजर, क्यों, क्योंकि दो इंटीजर का सम एक इंटीजर ही होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक्स माइनस जेड भी क्या है, एक इंटीजर है। देयरफॉर दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तीनों है और इसलिए ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन भी है, क्लियर है, समझ में आया। ये नहीं समझ में आया तो एक बार और रिपीट कर लो।
आगे बढ़ते हैं, तो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम कि रिलेशन आर इन अ सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स, सारे ह्यूमन बींग्स के लिए, इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय, ठीक है, एक्स कॉमा वाई, एक्स एंड वाई वर्क एट अ सेम प्लेस, एक्स और वाई एक ही टाउन की बात हुई तो एक्स और वाई एक जगह पे काम कर रहे हैं ऐसा है, ठीक है। तो पहले रिफ्लेक्सिव का देखते हैं, तो रिफ्लेक्सिव में देखो तो एक्स अगर कोई पर्सन है एग्जाम कर रहा है तो खुद से तो रिलेशन उसका होगा ही ना, मतलब सेम पर्सन, दो सेम पर्सन तो दो सेम पर्सन नहीं होते, मतलब मैथमेटिकली अगर देखें तो सेम पर्सन का वर्क प्लेस सेम ही होगा, बस खत्म, रिफ्लेक्सिव है, मतलब सब लोग खुद से तो वही काम करेंगे ना, मतलब समझ गए, थोड़ा अजीब लग रहा होगा बट मैथमेटिक्स है तो ऐसा चलता है ना, अभी तो मैथमेटिकल लॉजिक एक चैप्टर होता है उसमें तो और ही अजीब अजीब लगेगा, लेकिन मैथमेटिक्स एक बनाया गया लॉ है तो इस तरह से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स कॉमा वाई, देखो अगर एक्स, अब सिमेट्रिक की बात करें तो एक्स और वाई दो लोगों को लेना पड़ेगा, तो अगर एक्स वाई दोनों एलिमेंट है आर के, मतलब एक्स और वाई दोनों एक ही जगह पे काम करते हैं, अगर एक जगह है वहां पे एक्स भी काम कर रहा है और वाई भी काम कर रहा है, तो फिर वाई जहां काम कर रहा है वहां एक्स भी काम कर रहा है ना, तो मतलब वाइस वर्सा ये रिलेटेड है, इसलिए रिलेशन क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, क्लियर है। ट्रांजिटिव के लिए चेक कर, अब देखो एक्स लेंगे वाई लेंगे और जेड लेंगे, तो देखो एक जगह है यहाँ एक्स काम कर रहा है तो वहां वाई भी काम कर रहा है ऐसा दिया हुआ है, और वाई काम कर रहा है तो जेड भी काम कर रहा है ऐसा दिया हुआ है, तो देखो एक्स और जेड भी सेम ही जगह काम कर रहे हैं कि नहीं, है ना, ये ट्रांजिटिव भी है, ठीक है, तो देयरफॉर द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ओके, होपफुली एग्जांपल समझ में आया होगा आपको।